हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम हैं डेंटल एक्सपर्ट के साथ में, जो कि आपको बताएंगे कि अगर आप कोई ऐसी जॉब में ट्राई कर रहे हैं जैसे आर्मी, एयरफोर्स या दूसरी ऐसी कोई जॉब जिसमें कि डेंटल चेकअप रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें आपको कौन कौन सी तैयारी करके जाना चाहिए या फिर उसमें कौन सी चीज़ों पर आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप उस मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर पाएँ, उसमें कोई बाधा ना आए। तो इसके लिए आज हम डेंटल एक्सपर्ट के साथ उनसे सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, जिससे अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो मन ही मन में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो सारे आपके क्लियर हो जाएं और उनके जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिले। तो सर, स्वागत है आपका इस चैनल पर और वेलकम करते हैं हम आपका कि आपने अपना इतना समय दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। तो बहुत सारे व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल हैं सर, कि वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर उनका डेंटल मेडिकल रिक्वायर्ड है, तो उसमें क्या चीज़ उनको ध्यान रखनी चाहिए। जैसा कि हम सबको पता ही है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर जी। तो अगर हम किसी ऐसे इंटरव्यू में जा रहे हैं, ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं जहाँ पर डेंटल को भी कंसिडर किया जा रहा है, तो हमें ये चाहिए कि हम जाने से पहले ही अपना ओरल चेकअप करा के वहाँ पे जाएं, जिससे अगर कोई कमी है तो उसको हम पहले से ही उसको करेक्शन कर लें। ख़ास तौर से मिलिट्री में जा रहे हैं तो हमें ये देख के जाना है कि हमारे दांतों में कैरीज ना होना चाहिए। अगर दांतों में जगह जगह कीड़ा लगा हुआ है जी, तो उससे आपके मार्क्स जो पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, उस पर पॉइंट्स भी होते हैं? उस पर हर दांत के हिसाब से पॉइंट होता है। ओके, अभी मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे बच्चे अनफिट हो सकते हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम है जिन पर उनको खास फोकस करना चाहिए। हाँ, बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेंटल कैरीज नहीं होना चाहिए, दांतों में कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दांतों में पैरिया नहीं होना चाहिए, मसूड़े अगर कमज़ोर हैं, डिजीज़ है गम्स की, तो भी काउंट करी जाएगी। ठीक है, माल अक्लूजन एक पोजीशन होती है जिसमें दांत टेढ़े मेढ़े इतने ज़्यादा होते हैं कि आपस में दांतों का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता, दांत सही से एक दूसरे पर मिलते नहीं हैं, वो भी कंसीडर करा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मुंह में कोई ऐसी बीमारी ना हो जो असाध्य रोग हो, जैसे कोई कार्सिनोमा टाइप का होता है, ओरल कैंसर होता है, इस सब चीज़ों को चेकअप कराने के बाद ही डेंटल उसमें एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहिए। ओके, अच्छा ये जो ऐसे आपने मुझे बताया कि दांत टेढ़े मेढ़े ना हो, तो ऐसे तो मोस्टली लोगों के हो सकते हैं, तो उसका मेडिकल में अनफिट होने से क्या संबंध है? क्यों उसका ये है कि जब प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा, आपस में दांत कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो हम प्रॉपर वे में चबा नहीं सकते हैं। ओके, ठीक है, जब चबाएंगे नहीं तो हेल्थ इशू भी क्रिएट होगा। और दूसरे को मिलिट्री वगैरह में कुछ ऐसे भी जॉब्स होते हैं, ऐसी भी पोजीशन होती हैं जब दांतों के सहारे कुछ काम करना होते हैं। ओके, तो अगर वो दांत प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ मैटर करेगी, ट्रेनिंग का एक पार्ट होगा, एक पार्ट होगा। हाँ, वो सिखाएंगे दांतों क्या करना है, पकड़ना है, क्या करना है, हाँ, रस्सी से खोलना है। और अगर अलाइनमेंट है तो प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं होगी, इस वजह से दिस वेरी मच मैटर। ओके, और ओरल कोई प्रॉब्लम्स भी ऐसी हैं, बीमारियां भी हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिनको देखकर क्या अनफिट किया जा सकता है? ओरल में ऐसे ही गम डिजीज़, सीवियर गम डिजीज़ नहीं होना चाहिए कि गम्स डिजीज़ होगी तो नीचे बोन लॉस होने लगेगा, दांत हिलने लगेंगे, और कैंसर टाइप की बीमारी कोई ऐसी ना हो जो माउथ में ना होनी चाहिए। ओके सर, एक चीज़ और है जो बच्चे जानना चाहते हैं कि इसमें कोई पॉइंट्स भी होते हैं, नंबर्स होते हैं, कि जैसे एक थॉट है बच्चों में कि 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत एसेंशियल होते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए जिससे सब लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो, क्या है वो? सबको पता है कि मुंह में 32 दांत होते हैं। ओके, ठीक है, उसको मेनली हम सादे वे में कर सकते हैं कि उसको दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि जैसे पोस्टीरियर टीथ एंड एंटीरियर टीथ। ठीक है, जो ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा नेसेसरी है खाना चबाने के लिए, खाने के लिए, उन्हें पोस्टीरियर टीथ हैं, जैसे कि मोलर्स। ठीक है, ठीक, और उसके साथ में उसके आगे होते हैं प्री मोलर्स। ठीक है, दीज आर पोस्टीरियर टीथ। इन पोस्टीरियर टीथ के लिए, खास कर के मोलर्स के लिए, हर हेल्दी दांत के लिए जिसका अपोजिट दांत बिल्कुल सही हो, उसे कॉन्टैक्ट उसका मिल रहा हो, 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अच्छा, अगर एक क्वाड्रेंट में पूरे माउथ को देखें, अपर जा मान लें, अपर जा को 2 पार्ट में कर लेते हैं, उसके एक क्वाड्रेंट में 3 मोलर्स होंगे, अंदर के जो बड़े दांत हैं, बड़े दांत होते हैं पीछे के साइड के, 3 दांत होंगे, तो उनको 2 नंबर मिलेगा, वो हर टूथ को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो एक साइड में 3 दांत हैं तो उसके 6 पॉइंट बने।
ठीक है, ऊपर के तीन और नीचे के नी, तीन छह हो गए। इसी अपोजिट अच्छा, डायरेक्शन में भी ठीक है, फिर ऐसे 2-6 पॉइंट उधर भी हो जाएंगे आपके। लेकिन कुछ बॉयज में ऐसा भी होता है कि जहाँ पर वो अप्लाई कर रहे होते हैं 18 या 20 साल की उम्र में, तो उस समय तो लास्ट की जो जो दिन हम दाढ़ कहते हैं वो तो आ ही नहीं पाती है, विजडम टूथ, तो विजडम टूथ होता है, विजडम टूथ कहते हैं, तो वो आ ही नहीं पाते, तो फिर क्या नंबर कम होने का डर रहेगा हमें? नहीं, डर नहीं है, डर नहीं है। अगर वो विजडम टूथ जो 18 साल के बाद निकलता है अनइरप्टेड है या अभी सही से इरप्ट नहीं हुआ है, तो उसका एक नंबर दिया जाएगा। अच्छा, दो के बजाय एक नंबर हो जाएगा। अच्छा ठीक। और एंटीरियर टीथ सारे जो है उनका 1 पॉइंट काउंट होगा, यानी इंसाइजर से लेके कैनाइन एंड प्रीमोलर हर हेल्दी टूथ जिसका अपोजिट दांत कांटेक्ट में हो उसका जो है एक नंबर काउंट होगा। अच्छा ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा हेल्दी है, कोई सोचता है कि मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको और उसके जो अक्कल दांत जिसको हम कहते हैं वो भी चारों अभी उगी नहीं है, क्योंकि उसकी एज अभी अराउंड 20 है और वो 20 के बाद ही मोस्टली लोगों में आ पाती हैं, तो अब तो उसके 28 दांत हो जाते हैं, अभी इस समय 28 हैं और रिक्वायर्ड है 32 दांतों की जहाँ कैलकुलेशन हो रही है, तो क्या उसको वहाँ पर डरना चाहिए या फिर कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए? बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाएंगे। अगर वहाँ पे एक एक नंबर उसका कम भी हो रहा है तो उसके 20 नंबर्स कलेक्ट हो जाएंगे, 20 नंबर इज सफिशियंट। अच्छा ठीक अच्छा। है, अगर कुछ दांत किसी का मिसिंग है या ख़राब है जिससे उसके नंबर एक आध कम भी हो रहे हैं, तो 14 नंबर अगर आके इकट्ठा हो रहा है, टोटल 14 नंबर अगर उसके कलेक्ट हो रहे हैं तो वो मेडिकली अच्छे से पास हो जाएगा, कोई इसको दिक्कत नहीं आने। अच्छा, अगर कुल मिलाकर अब ये बताइए कि मान लीजिए कोई बंदा बिल्कुल हेल्दी है, उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके 28 दांत है, तो कितने नंबर रिक्वायर्ड करेगा वो? तो उसके 20 मार्क्स हो जाएंगे, 20 मार्क्स ले लेगा। हाँ, 20 मार्क्स ले लेगा। वैसे कम से कम 14 की जरूरत है हर मोलर विजडम टूथ के लिए, एक पॉइंट हुआ जो उसके रेप्ट नहीं हुए हैं, तो 1114 नंबर उसके ठीक। अगर वो अनडेवलप है, मतलब प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो एक एक नंबर मिल जाएगा उसके ठीक है, तो उसका 20 हो जाएंगे, और अगर वो नहीं भी हो रहा है तो तब भी उसके सफिशियंट मोर देन 14 नंबर्स हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये बेसिक जानकारी जो थी आज हमने ली जो डेंटल एक्सपर्ट के साथ में बैठकर, और आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक एक बॉर्डर लाइन मिल गई होगी कि अगर आप मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर अब हमें क्या तैयारी करके जाना है। इसके साथ साथ आपके अब बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि डिसक्वालीफाई होने में अगर हमारे दांतों में ये प्रॉब्लम है, आपके कैरीज है या आपके दांत टूटे हुए हैं या फिर अंदर से दांतों में कैविटी हो गई है, तो वो अलग अलग पार्ट हो गए सर, अलग पार्ट, तो वो अलग अलग पार्ट पे हम एक वीडियो में इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं कर सकते। आपने इतना समय मुझे दिया आज के लिए, इसी के लिए मैं बहुत आपका थैंक्स कहना चाहूँगा। लेकिन नेक्स्ट अगर हमारे व्यूअर्स का कोई सवाल रहेगा तो मैं आपको फिर इन्वाइट करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप जरूर हमारे प्रोग्राम में, आपकी जो क्यूरियोसिटी हो वो आप उसको शेयर करें, आपने कमेंट करें जरूर जाओ। तो अगर मेरे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कोई भी सवाल तो मैं आपको तकलीफ दूंगा और चाहूंगा कि उनके सवालों के आप जवाब दें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू टू बीइंग विद अस और इस चैनल के साथ रहने के लिए। अगर आपके कोई भी सवाल है डेंटल से रिलेटेड, अगर आप कहीं भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं और कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और मैं उसके लिए सबसे जरूर समय लूंगा जिससे वो आपके इन क्वेश्चंस के जवाब जरूर दें। So till then, keep smiling. Bye-bye.